हेलो गाइस, व्हाट्सएप। ये मेरा फोर्थ पार्ट है हिंदी लैंग्वेज जो मैंने प्रेफर किया था फर्स्ट लैंग्वेज के लिए, तो उसका ये फोर्थ पार्ट है। मैंने थ्री पार्ट्स बना दिया हुआ है। तो अगर आप न्यू हैं इस चैनल में तो प्लीज़ पहले के वीडियोस देखें, जिससे कि आपको ये वाला वीडियोस मेरा समझ में आ सके। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ये पूरा वीडियो देखें। अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, तो हम क्वेश्चन नंबर 106 से स्टार्ट करेंगे और इस पार्ट में 114 तक करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 106 से लेके 114 तक क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो इसमें क्या है कि एक गद्यांश दिया हुआ है जिसको हम पढ़ के उत्तर देंगे। तो जो पैसेज होते हैं उसको पढ़ने का सबसे अच्छा मीन्स जो क्वेश्चन आंसर होता है, तो क्वेश्चन के आंसर को देने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि हम पहले पैसेज को बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से पढ़ सकें। और जो उसमें थीम दिया गया मीन्स जो भी कुछ टर्म्स ऐसे होते हैं, तो अगर उनको एक दूसरे से आप लिंक करेंगे तो एक थीम तैयार हो जाता है। तो हमें बस यही पता लगाना होता है पैसेज में थीम। अगर थीम हमें पता चल गया मीन्स किस लिए बात की जा रही है उस पैसेज में, या किसके लिए बात की जा रही है, क्या बातें हो रही हैं, तो ये होता है थीम। तो अगर हमें ये पता चल जाता है तो हम कोई भी क्वेश्चंस होते हैं पैसेज के मीन्स पैसेज बेस्ड पर, तो हम वो बहुत आसानी से आंसर्स दे सकते हैं। तो पहले हमें पैसेज पढ़ना होगा। तो यहाँ पर यह हुआ है कि लघु उद्योग उन उद्योगों को कहा जाता है जिनके समारंभ एवं आयोजन के लिए भारी भरकम साधनों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वे थोड़े से स्थान पर थोड़ी पूंजी और अल्प साधनों से ही आरंभ किए जा सकते हैं, फिर भी उनसे सुनियोजित ढंग से अधिकाधिक लाभ प्राप्त करके देश की निर्धनता, गरीबी और विषमताओं से एक सीमा तक लड़ा जा सकता है। अपने आकार प्रकार तथा साधनों की लघुता व अल्पता के कारण ही इस प्रकार के उद्योग धंधों को कुटीर उद्योग भी कहा जाता है। इस प्रकार के उद्योग धंधे अपने घर में भी आरंभ किए जा सकते हैं और अपने सीमित साधनों का सदुपयोग करके आर्थिक लाभ कमाया जा सकता है और सुखी समृद्ध बनाया जा सकता है। भारत जैसे देश के लिए तो इस प्रकार के लघु उद्योगों का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ युवाओं की एक बहुत बड़ी संख्या बेरोजगार है। इसी कारण महात्मा गांधी ने मशीनीकरण का विरोध किया था। उनकी यह स्पष्ट धारणा थी कि लघु उद्योगों को प्रश्रय देने से लोग स्वावलंबी बनेंगे। मजदूर किसान फसलों की बुआई कटाई से फुर्सत पाकर अपने खाली समय का सदुपयोग भी करेंगे। इस प्रकार आर्थिक समृद्धि तो बढ़ेगी ही, साथ ही लोगों को अपने घर के पास रोजगार भी मिल सकेगा। हाँ, तो पैसेज हमने पढ़ा, तो अगर पैसेज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि बेरोजगारी हो गई, आपकी लघु उद्योग है और लघु उद्योग क्यों शुरू किया जा रहा है, लघु उद्योग के बारे में क्या बताया जा रहा है और ये क्या प्रॉफिट मीन्स इसकी क्या फायदे हैं। तो अगर इस थीम को जोड़ा जाए जो मैंने ये कुछ बताया हुआ है आपको, बेरोजगारी और ये लघु उद्योग, ठीक है, और जो ये मीन्स जो बेरोजगारी है, जो हमारी युवा वर्ग है उनके लिए क्या फ़ायदे हैं, अगर इसको जोड़ा जाए तो ये थीम ये यहाँ पे बन के तैयार होती है। तो इस पैसेज में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी बात ये बोला जा रहा है कि लघु उद्योग जो है उसको कुटीर उद्योग बोला जाता है, और लघु उद्योग के लिए ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे भारी भरकम साधनों की ज़रूरत है। यहाँ पे कम साधन, ठीक है, कम साधन है, यहाँ तक कि आप अपने घर में भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो लघु उद्योग के लिए सबसे बड़ी बात यहाँ पे निकल के आ रही है कि कोई बड़ी साधनों की जरूरत नहीं है, आप कम ही सीमित जो साधन है आपके पास आप उससे भी स्टार्ट कर सकते हैं। और ये भी जरूरी नहीं है कि आप इसके लिए मीन्स कि एजुकेटेड हो या आप अमीर हैं या गरीब हैं, यहाँ इससे कोई मतलब नहीं। ये उनके लिए है जो जिनको नीड है, ओके, जिनको जरूरत है, पूंजी कमाने का एक जरिया है, ठीक है। तो जो हमारे कंट्री की बात हो रही है, सबसे बड़ी यहाँ पे एक और वर्ड दिया हुआ है, हमारे कंट्री की बात हो रही है, भारत देश की बात हो रही है, तो भारत में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो बेरोजगारी की प्रॉब्लम है। जो हमारा युवा वर्ग है उसमें बेरोजगारी क्या है कि जैसे जो समस्या है उसको अगर निजात पाने के लिए लघु उद्योग, जिसको कुटीर उद्योग भी बोलते हैं, अगर ये स्टार्ट किया जा रहा करवाया जा रहा है तो इससे क्या होगा कि उनको पूंजी कमाने का एक जरिया मिल जाएगा। तो ये जो पैसेज है इतना है। अब जैसे महात्मा गांधी जी ने क्या बोला था कि जो मशीनीकरण है उसको वो रोकना चाहते थे, क्यों, क्योंकि वो इसलिए चाहते थे कि जिससे कि जो युवा है, जो युवा वर्ग है, इससे वो स्वावलंबी बन सके, ओके। अब मशीनीकरण क्या है, जैसे कि अगर मशीन का उपयोग होना स्टार्ट हो गया, जो इंडस्ट्री है, ओके, वहाँ पे आप देखते होंगे कि मशीन वगैरह का यूज करते हैं, तो इससे क्या होगा कि जो मजदूर हैं, जो कर्मचारी हैं, तो उनकी मैं बताती हूँ, जैसे उन सबों की जो संख्या होती है वो क्या होगी, घटती जाएगी। तो जो वो मजदूर और जो वो कर्मचारी उनके जगह क्या होगा, मशीन जगह ले लेगा। तो इसीलिए गांधी जी चाहते थे कि मशीनी जो करण है उसका वो उसको वो इग्नोर कर रहे थे, ओके।
तो अगर इसकी बात की जाए तो इन सब से क्या होगा, लघु उद्योग से क्या होगा, आर्थिक लाभ मिलेगा, हमारा जो देश है वो फलेगा फूलेगा, जो जिसको समृद्धि का नाम दिया गया है, हर युवा वर्ग के पास कुछ ना कुछ होगा, जरूरी नहीं कि सारे एजुकेटेड हों, ओके, जो एजुकेटेड होते हैं वो ज़्यादातर जॉब में चले जाते हैं, पर उनके लिए क्या है, जो कम पढ़े लिखे होते हैं या जहाँ पर शिक्षा नहीं होती है, तो यहाँ पर अगर कुटीर उद्योग की बात की जाए तो यहाँ पर जरूरी नहीं कि आप कितने शिक्षित हैं। तो हम ये पैसेज आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पैसेज के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन है वो हम देखते हैं, पहले 106 देखते हैं। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि उन उद्योगों को लघु उद्योग कहा जाता है। तो पहले लघु उद्योग क्या था जिसको कुटीर उद्योग बोलते हैं, और लघु उद्योग में क्या होता था, जो पैसेज के अकॉर्डिंग हमको आंसर निकालना है। तो पहले हम लघु उद्योग जो पैसेज में दिया था वो क्या था, इसमें दिया हुआ था कि लघु उद्योग जो है उन उद्योगों को कहा जाता है जिनके समारंभ एवं आयोजन के लिए भारी भरकम साधनों की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक, ये क्या है कि इसमें कम समय में और अल्प जो साधन होते हैं और थोड़े से जगह पर भी, चाहे वो घर हो चाहे बाहर हो, ठीक है, वहाँ पे आप ये उद्योग स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब आई थिंक आपको ये अगर क्वेश्चन जो है इसका पैटर्न तो समझ में आया ही होगा और आंसर्स भी आपका निकल गया होगा। तो अगर क्वेश्चन नंबर 106 की देखा जाए, लघु उद्योग कहा जाता है जिनसे अल्प लाभ मिलता है, तो लाभ की कहीं बात नहीं होती, अल्प लाभ कहीं लिखा ही नहीं है पैसेज में, और वैसे भी लघु उद्योग से ऐसा कुछ नहीं, लाभ हानि की बात ही नहीं है, ओके। तो सेकंड की बात करें तो जो अल्प अवधि तक चलते हैं, अल्प अवधि की भी बात नहीं हुई है पैसेज के। हमेशा ध्यान रखिएगा कि पैसेज में जो भी दिया हुआ है आपको उसी के अकॉर्डिंग निकालना है, आपको क्या नॉलेज है, ओके, आपको पहले मींस प्रीवियस जो आपकी नॉलेज है या कहीं अदर बुक में आप कुछ पढ़े हैं तो उसको आपको लिंक नहीं करना है। यहाँ पे आपको पैसेज को पढ़ना है, पैसेज की थीम को पढ़ना है, पैसेज को समझना है और उसी के अकॉर्डिंग ही आपको आंसर्स देना है, ठीक है। तो सेकंड की बात करें ये भी नहीं होगा। अगर थर्ड की बात करें तो जो कम साधनों से शुरू किए जा सकते हैं, ये जो कि साफ साफ लिखा हुआ है, तो अगर देखा जाए तो 106 का जो राइट आंसर होगा वो थर्ड होगा, ओके। फिर भी हम फोर्थ देखते हैं, तो निर्धन व्यक्ति आयोजित करते, तो ऐसा इसमें कहीं मेंशन नहीं हुआ है कि जो गरीब होते वही ये कर सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ पैसेज में जबकि मेंशन किया गया है कि सबके लिए है, जिनको जरूरत है, जिनको नीड है, ओके। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 107। तो इसमें दिया हुआ है कि मशीनीकरण से तात्पर्य है, तो मशीनीकरण का मतलब क्या होता है, कि मशीनीकरण का मतलब होता है कि जहाँ पे आदमियों और मेंस जो कर्मचारी होती है उनको थोड़ा सा इग्नोर किया जाता है और मशीन की उपयोगिता उनके जगह पे की जाती है। तो मशीन की जितने ज़्यादा उपयोग करेंगे तो वो जो उपयोग करने की एक अवधि होती है, मीन्स प्रीवियस पास्ट टाइम में देखें तो उस समय धीरे धीरे क्या हुआ था कि इंडस्ट्री धीरे धीरे स्टेबलाइज्ड हो रही थी। तो उसमें क्या हो रहा था कि जो टेक्निकल मीन्स टेक्निक चीज़ें हैं तो उसमें यूज किया जा रहा था। तो जैसे अगर आज के समय आप देखें तो मोबाइल है, लैपटॉप है, और क्या जैसे कि अगर घर में देखा जाए तो वॉशिंग मशीन है, ये सब क्या है, ये सब मशीन ही है ना। तो ये क्या हो रहा है कि हम हमारे लिए तो ईजी हो रहा है, लेकिन जो आदमी पहले जो घर में जैसे अगर देखा जाए मेड हैं, मेड की जगह क्या है कि आजकल एक से एक मॉप आ रहा है, ओके। तो इससे क्या हो रहा है कि एक से एक है, जैसे आपका ओवन है या फिर आपका ये वॉशिंग मशीन है या कुछ भी रोबोट की बात हो रही, तो इससे क्या हो रहा है कि जो नीडी पर्सन है, जो मेड होते हैं, उनको क्या है कि काम भी नहीं मिल पा रहा। तो ये मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको, तो अगर इसी एग्जाम्पल के थ्रू समझा जाए तो मशीनीकरण से तात्पर्य, तो अगर मशीनीकरण से तात्पर्य समझा जाए तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन दिया है मशीनों का अधिकाधिक निर्माण, तो ये अधिकाधिक निर्माण करने से नहीं मतलब होता है, मशीनीकरण का मतलब होता है कि जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा यूज कर सकें, ओके, और यूज करना आपको आता हो। तो सेकंड ऑप्शन देखते हैं मशीनों की अधिकाधिक उपलब्धता, तो अगर बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करवा दिया जाए तो इससे भी नहीं मतलब है, जब तक कि आपको यूज करना ना आए। तो थर्ड ऑप्शन देखा जाए कि मशीनों की अधिकाधिक खरीद, तो ये भी नहीं होगा, होता है क्या है कि जैसे अगर हम खरीद लिए हमको यूज करने नहीं आ रहा है, उसको कैसे यूज करना है या इसका क्या बेनिफिट है इससे, तो अगर जब हमको यही नहीं पता होगा तो उसके उसको खरीदने से कोई मतलब ही नहीं है। अगर फोर्थ ऑप्शन देखें मशीनों का अधिकाधिक उपयोग, तो अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 107 देखा जाए तो देयर विल बी फोर्थ ऑप्शन राइट। नाउ लेट अस मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 108। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि लघु उद्योगों को प्रश्रय देने के संदर्भ में गांधी जी की क्या धारणा थी। तो पहले जो ये प्रश्रय होता है, प्रश्रय क्या होता है ये हम समझ लेते हैं, जैसे कि किसी को सहारा देना, ओके, तो जो नीडी पर्सन होते हैं उनको सहारा देना। तो अगर उसके इस क्वेश्चन को देखा जाए तो अगर इसके अकॉर्डिंग देखिए तो पैसेज के थ्रू हमें आंसर निकालना है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं मशीनीकरण का विरोध किया जा सके, तो यहाँ पे देखिए ये जो गांधी जी की धारणा थी, ठीक है, ये प्रश्रय देने के संदर्भ में लघु उद्योगों को, तो ये पॉजिटिव वे में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये जो मशीनीकरण का विरोध किया जा सके तो यही इसका हल नहीं था, अगर प्रश्रय न भी किया जाए तो भी हम मशीनीकरण का विरोध कर सकते हैं।
ओके अगर सेकंड ऑप्शन की बात करें तो लोगों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जा सके, तो अगर देखा जाए तो लघु उद्योगों का मतलब ही यही था। लघु उद्योग का आने का मेन रीजन जो था कि जो हमारे कंट्री की बात हो रही थी भारतवर्ष की, तो यहाँ पे जो युवा वर्ग है, एक अगर युवा वर्ग को देखा जाए एक भाग, तो यहाँ पे क्या है कि बेरोजगारी जैसी बहुत बड़ी समस्या है हमारे कंट्री में, तो उसको उससे निजात पाने, इस जैसी समस्या से निजात पाने के लिए अगर लघु उद्योगों को हमारे कंट्री में लाया जाता है, जैसे जो छोटे छोटे उद्योग होते हैं कम पैसे में कम साधन में जो स्टार्ट किया जाता है, अगर वो देखा जाए तो इससे क्या होगा कि लोग आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होंगे। ओके तो अगर यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर देखा जाए तो सेकंड विल बी राइट आंसर, बट फिर भी हम थर्ड और फोर्थ पढ़ेंगे जैसा कि हम हमेशा करते हैं। थर्ड ये है कि समय का सदुपयोग किया जा सके, तो ऐसा कुछ नहीं है कि लघु उद्योग एक जो होता है कि टाइम पास के लिए अगर ये किया जा रहा है तो ये भी सही नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर फोर्थ ऑप्शन देखते हैं तो किसानों को बुआई कटाई से फुर्सत मिल सके, तो ये भी नहीं होगा। वहाँ पे दिया हुआ आप पैसेज में देखिएगा किसानों की जो बुआई कटाई से फुर्सत मिल सके, तो यहाँ पर पैसेज में कुछ और ही दिया हुआ है। यहाँ पर ये दिया है कि उनकी ये स्पष्ट धारणा थी कि लघु उद्योगों को प्रश्रय देने से लोग स्वावलंबी बनेंगे, मजदूर किसान फसलों की बुआई कटाई से फुर्सत पाकर अपने खाली समय का सदुपयोग भी करेंगे, मतलब दोनों करेंगे, बुआई कटाई भी कर सकते हैं और उसके साथ अगर खाली टाइम है उनके पास, जैसे अगर अर्निंग के लिए होता है ना एक्स्ट्रा अर्निंग, तो उसके लिए ये बेटर होगा। ओके तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 109। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो भारत जैसे देश के लिए लघु उद्योग धंधों का महत्व क्यों बढ़ जाता है, तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, जो हम लोग पैसेज में देखे थे अगर लघु उद्योग जैसे धंधे हैं तो इसका महत्व वो भी भारत जैसे देश में क्यों बढ़ जाता है, तो कॉमन सी चीज़ थी जो हमने पढ़ा था, एक टर्म मैंने जो लिया था आपको बोला था कि एक टीम तैयार करना है, तो यहाँ पे जो युवा वर्ग में बेरोजगारी जैसी समस्या है, ओके जो नीडी पर्सन है उनके लिए, ना यहाँ पे अमीर की बात हो रही है ना गरीब की बात हो रही है, किसी वर्ग की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, बस यहाँ पे बात हो रही है जो युवा वर्ग है या जो नीडी पर्सन है उनके लिए बात हो रही है। तो अगर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए उद्योग धंधों का महत्व क्यों बढ़ जाता है, वो भी भारत जैसे देश में, तो सिंपल सी बात है, तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, क्योंकि यहाँ के युवा वर्ग को मशीनों पर काम करना नहीं आता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है अगर उनको मशीन दिया जाए। अगर आप एक एग्जाम्पल देखें तो मोबाइल फोन तो कोई भी चला सकता है भाई, उसको यूज करने आएगा, जब उसके पास होगा तो उसको यूज करने कहीं ना कहीं से आएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन सही नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे जो दिया है कि क्योंकि यहाँ कम पूंजी वाले लोग अधिक संख्या में हैं, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। लघु उद्योग का जो महत्व है, मेन महत्व तो बेरोजगारी से रिलेटेड है, तो उसी से रिलेटेड ही आंसर होगा। तो थर्ड देखते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत से लोगों को काम की जरूरत है। यस, जैसे कि मैंने बोला कि यहाँ पे लोगों को काम की जरूरत है, जो नीडी पर्सन है, मीन्स जो हमारी कंट्री में जो बेरोजगारी जैसी समस्या है, जो प्रॉब्लम है, उससे निपटने के लिए ये लघु उद्योग धंधे लाए गए। ओके तो अगर क्वेश्चन नंबर 109 का देखा जाए तो थर्ड विल बी राइट आंसर, बट फोर फिर भी देखते हैं, जैसे कि हम हमेशा देखते हैं, क्योंकि यहाँ मशीनों की उपलब्धता बहुत कम है, तो ऐसा भी नहीं है, तो थर्ड विल बी राइट आंसर। नाउ लेट अस मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 110। तो विषमता का विपरीतार्थी मीन्स अपोजिट वर्ड है, ठीक है, विषमता जो है इसकी अपोजिट वर्ड क्या होगी, तो यहाँ पे जैसे फर्स्ट दिया है समानता, सेकंड दिया है असमानता, थर्ड दिया है प्रतिकूलता और फोर्थ दिया है सामान्यता, तो आई थिंक आप सबको समझ में आ गया होगा, ये सबको आता होगा ये, तो विषमता जो होती है अगर उसको देखें तो हम इसका आंसर निकलेगा समानता, क्योंकि असमानता ही विषमता है, दोनों सेम हो गया अगर देखा जाए तो, ये क्या हो गया आपका सिनोनिम्स हो गया, और प्रतिकूलता सामान्यता तो होगा नहीं, तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन नंबर 110 का देखा जाए तो 1 विल बी राइट आंसर। नाउ लेट अस मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 111। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है कि समृद्ध शब्द में भाव है, अच्छा मैंने आपको जो पैसेज बताया तो उसमें मैंने बोला था ना फला फुला कि जहाँ पे समृद्ध का मतलब क्या होता है, जो ऐसी कंट्री होती है कि जैसे कि आप हिस्ट्री में भी पढ़े होंगे हड़प्पा जो सिविलाइजेशन था, तो उसमें क्या था कि लोग समृद्ध थे, तो समृद्ध का मतलब यहाँ पर ये मतलब नहीं है कि आपके पास बहुत सारी मनी है, समृद्ध का मतलब आप खुशहाल जीवन जी रहे हैं, तो खुशहाल जीवन जीने के लिए क्या होता है कि आप खुश हैं, आपके पास सारी चीज़ें हैं, जैसे आपके पास जॉब है या उद्योग है, ओके या बिजनेस है, बिजनेस है आपके पास, या फिर कह सकते हैं कि खाने पीने से लेकर कोई भी चीज़ें की कमी नहीं है, मीन्स पूरा फैमिली जो है खुशहाल फैमिली, तो यहाँ पर सिर्फ पैसे से बातें नहीं होती हैं। ओके हड़प्पा अगर सिविलाइजेशन की बात करें तो वहाँ पर भी सिर्फ पैसे की बातें नहीं होती, वहाँ लोग खुशहाल थे, तो खुशहाल जो होता है, जो खुशहाल वाली जो लाइफ होती है, मीन्स मेंटली और फिजिकली आप दोनों रूप से स्ट्रांग हैं, हेल्दी हैं, तो उसको ही समृद्ध बोलते हैं, तो जो एनवायरनमेंट है आपका वो भी स्ट्रांग होना चाहिए, मीन्स
जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉस्पेरस। तो अगर उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो अगर जो समृद्धि शब्द में भाव है तो ये रोजगार पाने का नहीं होगा। हाँ, जैसे कि मैंने बोला था अभी जस्ट कि खुशहाल होने से होता है, तो खुशहाल यहाँ पे सही आंसर होगा। और धनी होने का कोई मनी अर्निंग की तो बात नहीं की मैंने, कि सिर्फ आपके पास अगर जैसे बहुत अमीर है उनके पास बहुत पैसा है, लेकिन क्या है कि वो हमेशा डिस्टर्ब रहते हैं क्योंकि उनकी जो लाइफ है वो हमेशा डिस्ट्रक्शन ही फील होता है उनकी लाइफ में। ओके, कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है। तो अगर ऐसे देखा जाए या फिजिकली रूप से वो प्रॉब्लम में है या फिर मेंटली रूप से, इकोनॉमिकली कंडीशन तो उनकी बहुत अच्छी है लेकिन जो उनका एनवायरनमेंट है वो अच्छा नहीं है, तो यहाँ पे ये मतलब होता है। ओके, धनी होने से सिर्फ मतलब नहीं है। और फोर्थ की बात की जाए तो समर्थ होने का मीन्स एबिलिटीज है, उनके अंदर एबिलिटी है पर फिर भी सारी चीज़ें कर रही हैं, तो यहाँ पे समृद्धि का ये भी मतलब नहीं होगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम। नाउ लेट अस मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 112। तो यहाँ पे जो अल्पता शब्द है ये बताना है कि देशज है कि विदेशी है या तद्भव है या तत्सम है। तो इस क्वेश्चन को देखने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि देशज क्या होता है, विदेशी क्या होता है, तद्भव और तत्सम किसे कहते हैं। तो ये जो शब्द समूह है हिंदी भाषा के, ये उत्पत्ति के आधार पर इनको अध्ययन किया जाता है। ओके, ये तत्सम, तद्भव, विदेशी, देशज। तो हम तद्भव, तत्सम और विदेशी, देशज को बहुत शॉर्ट में समझ लेते हैं। तत्सम क्या होता है, तत्सम क्या होता है कि मूल संस्कृति शब्द होता है और उसको सेम समान जो दिया है, तत् दिया है और सम दिया है, मीन्स कोई भी अगर जो वर्ड है संस्कृत का उसको सेम उसी वर्ड में ही बोलते हैं तो वो तत्सम होता है। ओके, और तद्भव में क्या होता है कि जो संस्कृत वर्ड है जैसे ये इसमें समान वही सेम वर्ड बोलते हैं, बट इसमें क्या होता है जो तद्भव होता है संस्कृत से निकला हुआ वर्ड होता है जिसको हम अपनी लैंग्वेज में बोल देते हैं। मींस जैसे कि क्या होता है कि जैसे आम्र है, ओके, आम्र क्या होता है कि तत्सम वर्ड है लेकिन हम अपनी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, आम बोलते हैं। तो ये कहाँ से निकल के आया आम वर्ड, ये आपका निकल के है संस्कृत वर्ड से। तो इसी तरह तत्सम और तद्भव है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है दूध, दूध को दूध बोलते हैं हम। ओके, तो अब हम देशज और विदेशज समझते हैं। तो हम देखते हैं कि विदेशी और विदेशज शब्द क्या होते हैं। तो विदेशी भाषाओं में जो वर्ड आए होते हैं, जो हमारे हिंदी भाषा में यूज किए जाते हैं बाहर से आए हुए वर्ड, तो वो विदेशी भाषा होते हैं। विदेशी नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हम अपने रोजमर्रा के बोलचाल में बोलते हैं, जो वर्ड्स होते हैं कुछ विदेशी भाषा के तो वो हम अपने रोजमर्रा में बोलते हैं। तो अगर देखें तो ये जो विदेशी भाषा है ये कहाँ से आई हुई है, मुख्यतः अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी व पुर्तगाली शामिल है। तो हम देखते हैं कि अब जो देशज शब्द है वो क्या होता है। तो अगर देशज शब्द की बात करें तो इसमें क्या है कि ये शब्द जो होती हैं, जो इनकी मूल उत्पत्ति है उसका हमें पता नहीं होता है, मीन्स ये वर्ड्स कहाँ से आए हुए हैं। ओके, तो जो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं कि वो हमारे रोजमर्रा की जो बोल चाल होती है, जो हमारी क्षेत्रीय लैंग्वेज होती है, जो हमारी क्षेत्रीय भाषा होती है, प्रोविंसेस जो लैंग्वेज होती है, ओके, उसमें हम उसका यूज करते हैं अपनी हिंदी लैंग्वेज में या जो हमारी क्षेत्रीय भाषा होती है उसमें हम इसका यूज करते हैं, तो उसे हम देशज शब्द कहते हैं। जैसे कि अगर मूल उत्पत्ति का मतलब, जैसे तद्भव और तत्सम में मैंने बात किया था, जैसे तत्सम क्या है, संस्कृत, मूल जो है उसका वो संस्कृत है। और अगर तद्भव की बात करूँ तो तद्भव जो है जो तत्सम से वर्ड है, जो तत्सम के वर्ड हैं, ओके, जैसे संस्कृत वर्ड है तो उससे निकला हुआ वर्ड तद्भव कहलाता है, जो विकृत रूप होता है। ओके, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था दूध और दुग्ध, दुग्ध जो आपका है वो क्या है, तत्सम है, और जो दूध है वो तद्भव है। तो हम क्वेश्चन देखते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये चारों चीज समझ में आ गई होगी। तो अब अल्पता जो वर्ड है वो आप उसका आंसर दे सकते हैं। तो अल्पता जो वर्ड है, अगर इसको तोड़ के देखा जाए तो अल्प औता, अल्प का मतलब होता है कमी, जहाँ पर किसी चीज़ की कमी हो, जो जैसे बोलते हैं ना अल्प मात्रा में, तो ये मात्रा में यूज किया जाए। तो जो अल्प वर्ड है वो क्या कहाँ से आई हुई है, संस्कृत से। तो अल्प जो संस्कृत वर्ड है, ओके, ये इसी में ही बोलते हैं हम लोग, अल्प ही बोलते हैं, अल्पता ही बोलते हैं। जो ता है ये आपका क्या, ये जो अल्पता वर्ड है ये संज्ञा है। ओके, अल्प जो सॉरी जो अल्प वर्ड है वो संज्ञा है। तो अगर हम इसको देखें अल्पता शब्द, तो ये देशज नहीं होगा, विदेशी भी नहीं होगा, और तद्भव की बात करें तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि अल्पता जो है ये संस्कृत भाषा संस्कृत वर्ड है। तो अगर संस्कृत की बात करें तो तत्सम वर्ड विल बी राइट आंसर। ओके, तो फोर्थ यहाँ पे वो जो आंसर है वो आपकी राइट होगी। तो अगर 113 क्वेश्चन की बात करें तो कौन सा युग शब्द युग्म से शेष से भिन्न है। तो ये जो क्वेश्चन, ये इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन, आई थिंक आप लोगों को भी पता होगा। तो यहाँ पे शब्द युग्म की बात कर रहा है। तो पहले शब्द युग्म देखते हैं, जैसे पशु पक्षी, ये क्या है, विलोम दिखा रहा है एक दूसरे का, मीन्स अपोजन दिखा रहा है, अपोजिट वर्ड जो होते हैं या जो जेंडर डिफ्रेंशिएट करते हैं वो है, माता पिता भी वही है, दिन रात भी वैसे ही है। तो ये तीनों क्या है, तीनों जो शब्द युग्म है ये सेम है,
सही है, एक दूसरे से लिंक कर रहा है, इसमें देखना है कि लिंक कर रहा है। चारों ऑप्शन में कौन सा ऐसा शब्द युग्म है जो लिंक नहीं कर रहा है। तो अगर भारी भरकम की बात करें तो जो भारी भरकम वर्ड है ना, भारी का मतलब ही होता है भारी भरकम, ये दोनों एक साथ बोलते हैं। ज्यादातर नहीं बोलते कि अरे ये बहुत सामान भारी भरकम है या ये सामान बहुत भारी है। तो भारी भरकम का मतलब ही होता है भारी, भरकम का भी मतलब होता है भारी। ओके, इसको हम यूज करते हैं एक साथ वर्ड। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 113 का जो क्वेश्चन है तो ये होगा 4 ऑप्शन राइट होगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114। तो इसमें जो दिया है वह है कि क्वेश्चन गद्यांश के अनुसार प्रश्रय शब्द का भाव है। तो प्रश्रय, जैसे मैंने बताया था आपको कि किसी को आश्रय देना मीन्स सहारा देना। तो अगर सहारा जो सिंपल लैंग्वेज में है, तो अगर आप सहारा देना जान रहे हैं तो आई थिंक आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अनुमोदन तो होगा नहीं। ओके, स्वीकृति देना नहीं होगा, जहाँ पे एक्सेप्ट वाली बात हो तो ये नहीं होगा। संरक्षण देना, सहारा का मतलब संरक्षण देना। ओके, किसी को आश्रय देना, तो प्रश्रय का मतलब यहाँ पे संरक्षण देना होगा और नियुक्ति करना नहीं होगा। ओके, तो क्वेश्चन 114 का ऑप्शन 3 विल बी राइट आंसर। तो जैसा कि मैंने बोला था कि इस वीडियो में 106 से लेके 114 तक आपका क्वेश्चंस होगा, तो ये पार्ट आपका खत्म होता है। अब नेक्स्ट जो पार्ट आएगी आपकी लास्ट पार्ट होगी, 5th पार्ट, और इसमें आपकी हिंदी ये जो एज अ प्रेफरेंस में लिया गया है ये खत्म हो जाएंगे। और भी मैं वीडियोज लेके आऊँगी। प्लीज़ If you like my videos, like, subscribe and share. And thank you for watching my videos. Bye-bye.